देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज से बदल जाएंगी आईपीसी की तमाम धाराएं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपनी सभी संसाधनों के साथ आज उनके लागू होने की तैयारी भी पूरे जोश के साथ कर रखी है। आज से बदलेंगे सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के रूल्स। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए आज बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। ये बदलाव आज से लागू होंगे और इसे स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं। अब सिम कार्ड को आसानी से पोर्ट नहीं किया जा सकेगा, इसके लिए यूजर्स को इंतजार करना होगा। एमपी में आज जश्न के साथ होगा नए कानूनों का स्वागत। आज से देश भर में नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। इनका स्वागत जिला मुख्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ किया जाएगा। इस बीच पुलिस विभाग ने पहले से समझाना शुरू कर दिया है। नए कानूनों के बारे में 60,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इंडियन नेवी का नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी, आज से भरे जाएंगे फॉर्म। इंडियन नेवी ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें भारतीय नौसेना में एमआर म्यूजिशियन की भर्ती की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवार आज से ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। नेवी एमआर रिक्वायरमेंट 2024 में फिजिकल कैसा होगा, इसकी जानकारी भी यहाँ बताई गई है। अमृतसर में नाट उत्सव आज से होगा शुरू। अमृतसर में हर साल की तरह इस साल भी विरसा विहार में जारी मासिक थिएटर वर्कशॉप में तैयार कलाकारों पर आधारित 5 दिवसीय नाट उत्सव आज से 5 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। बिहार में सरकारी स्कूलों का बदला टाइम टेबल। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। आज से बिहार के सरकारी स्कूल अब सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। छात्रों को छुट्टी दोपहर 3:15 बजे मिलेगी। वहीं इसके बाद 45 मिनट तक मिशन दक्ष और अन्य विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज से रेगुलर चेकिंग। चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर पाबंदी पहले से है, लेकिन ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नगर निगम ने आज से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को हटाने के लिए सख्ती करने की तैयारी की है। टनकपुर चंपावत घाट हाईवे आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। मानसून काल के दौरान सुरक्षा को देखते हुए आज से घाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों के लिए बंद रहेगा। साथ ही चंपावत टनकपुर मार्ग साय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक और ककराली गेट से चंपावत तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। रोहतक में पीजीआई का समय बदला। रोहतक स्थित पीजीआईएमएस के चौधरी रणवीर सिंह की ओपीडी का समय बदल गया है। अब आज से ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी। ओपीडी कार्ड सुबह 8:30 बजे से बनने शुरू होंगे, दोपहर 1 बजे तक बनेंगे। जिन मरीजों के कार्ड दोपहर 1 बजे तक बनेंगे, उन सभी को डॉक्टर देखेंगे। ओटी का समय सुबह 9 बजे से बदलकर दोपहर 3 बजे कर दिया गया। अलीराजपुर के महाविद्यालय में 3 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह आज से होगा शुरू। अलीराजपुर में क्रांतिकारी शहीद शीतू सिंह किराड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज से 3 जुलाई तक दीक्षारंभ समारोह मनाया जाएगा। नवप्रेषित विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। सन 1781 में आज के दिन हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध हुआ था। 1862 में आज के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। सन 1879 में आज के दिन भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी। सन 1955 में आज के दिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। 2017 में आज के दिन भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु और सेवा कर GST लागू किया गया। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।